ऑलराइट, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज आय चौधरी। और आज हम आए एक्सपो मार्ट। भाई मैं पता नहीं ऐसा फील हो रही है, मतलब ऐसा मान लो कि वो बच्चे नहीं होते हैं जो गांव से निकल के आते हैं और ग्रेटर नोएडा में आकर सोचते हैं कि जैसे हम तो अमेरिका में आ गए, ऐसी फील आ रही है भाई यहाँ। तो चलो चलते हैं, आओ अब्दुल भाई आओ। ऐसा क्या है जो यहाँ पे इतनी सारी पुलिस खड़ी है? देखते हैं, वो इधर भी पुलिस उधर भी पुलिस। ओ भाई कहाँ दिखा रहा भाई, मैंने उसे उसको इतना देखा जा सकता था भाई। कहाँ दिखा रहा, किसे दिखा रहा भाई? मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? चलो भाई चलते हैं। भाई हमारा कैमरामैन थोड़ा सा बदतमीज है भाई। मोदी जी ऑन टॉप। तो मोदी जी बताओ, अब की बार आप जीतोगे? बहन के लोगों मजा आए, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। देखो भाई यहाँ पर इतनी सारी भीड़ है और यहाँ पर कैमरे वैमरे का तो पता नहीं, बट हम सब मोदी जी की निगरानी में है। मोदी जी ऑन टॉप। सुबह सुबह भेजो दो तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा। भाई आप कहाँ से आ रहे हैं? घर से आ रहे हैं जैसा आप देख सकते हैं। अच्छा, स्कूल से नहीं आ रहे? स्कूल से भी आते हैं लेकिन सीधा घर से आए मेरे। अच्छा आज ये घर से हैं, वैसे स्कूल से आते हैं। तुम साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आप स्कूल में रहते हो? स्कूल में क्या रहना है, जब मन करता है चले जाते हैं, वरना तो कुछ नहीं। तो आज आप क्यों आए? जाओ घर जाओ। सो आप सब लोग अभी देख सकते हो यहाँ पे कुछ राजस्थानी लोग आ चुके हैं, तो इनसे अभी हम मिलते हैं और इनकी इनके एसेंट में हम बोलेंगे। भाई आप कहाँ से आए? हम ललित झांसी से आए। आप कहाँ से? जी हाँ झांसी से, शाकुंतलम लोक कला संस्था, जेके शर्मा एंड पार्टी, राय नृत्य, झांसी। मतलब वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे राम राम कहते हैं, तो आपके यहाँ पर मतलब राम राम? जय श्री राम। ना नहीं मतलब जैसे खड़ी खम्मा वगैरह ऐसे, खड़ी खम्मा ऐसे कहते हैं ना शायद आपके यहाँ पर, मतलब नमस्कार कैसे करते हैं? अच्छा नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, गायत्री, जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ठीक है जी, राधे राधे। भाई ऐसा तो कुछ नहीं है कि यहाँ पे चढ़ना नहीं है वगैरह? यो लौंडा वीडियो मिला भाई, कहाँ से भाई? भाई दिल्ली से। वैसे क्या हाल है भाई? भाई देखो यहाँ पे आसपास सारी टाटा की गाड़ियाँ खड़ी हैं, और देखो यहाँ से यहाँ तक आ जाओ भाई, मेरी फेवरेट गाड़ी। भाई हमारे इंडिया की आन बान शान, देर में खाना स्टार्ट होने वाला है, खाना खा के जाना है सब लोगों को। अगर कोई मेरी वीडियो देख, मतलब वैसे तो नहीं देख रहे इतने सारे लोग, जो भी 10-5 लोग देखेंगे भाई, सबको यहाँ पे आना है और खाना खा कर जाना है। ठीक है भाई, ट्राई एंड बाय। हराम का भाई को बहुत पसंद है, भाई खाएगा, आ जाओ भाई। इस आदमी का जमीर बिक चुका है, ये चाय के लिए देख भाई देख, चाय के लिए बिक चुका है आदमी जमीर इसका। कैसे कैसे प्यार हो गया फूका हुआ, निगाह निगाह में आई लव यू बोला उसने भी और मैंने भी। कैसे कैसे लुक्स दे रहा है बंदा भाई, दो लेते आना। ग्रीन टी, ये ग्रीन टी नामक कुछ पदार्थ होता है जो आपने नहीं पिया। सर कितने मिलता है? क्या रुपए दिया आपने? भाई होश में है अभी, कुछ खाया पिया ही ना कुछ। ये तुम समझ जाओ तब बात करेंगे, है ना? पानी लियो अभी गरम गरम, बाद में जाके टेस्ट कर जब बताएंगे। गिर भाई लो लो जी चाय पियो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नेता जी आओ। चाय बट रही है, ये चाय है ग्रीन टी, तो इसे इस्तेमाल करके देखो, वैसे अच्छी चीज है कोई। लो जी आई पियो चाय जी, कैसी ऐसी लगा आप बताना। ठीक है साहब अभी बताएं। हां जी मतलब हम ये वो ना है चाय वाले, हम तो बस वीडियो। यहां पर मेरा दिल धड़क धड़क हो रहा है। ताऊ से बात कर, ताऊ सर भैया या में ना कुछ भी गरम सो तो पानी हो पानी, और या घेर ले चाय पत्ती से गरम पानी में, मीठो पीठो ना कुछ भी। अब जैसो इनको यू प्रोडक्ट है ऐसो ही सब हो, चेहर तो ना कह सके यार, हैं ना बता तो देंगे पर जहर तो ना कह सके। हम जेवर के पास से आए, हाँ अब बैठ भी रहे यहाँ, और नाम बाम मत पूछो यार, कहीं तो हम पे कोई पेनल्टी और ना ठोक दे बिना नाम के रहे। अच्छा
भाई नाम मत पूछा, तू रहन दे। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या अब्दुल भाई? इसे वेट कर दो, इसे वेट कर दे। कर दी वेट भाई? घर भी पिए थे ना कभी? तो यहाँ आके कैसे आप पहले से, आप पहले से पीते थे इसको कि नहीं? अच्छा, हमेशा से इनका बचपन का सपना था ऐसी भी चाय पिए, आज इनका सपना पूरा हो चुका है। हमारे बाप दादा, उनके पापा चाय के चक्कर में खत्म हो गए। So guys, अब हम चेक करके बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। इसको पता ऐसे पीना है जैसे आप पहली बार नहीं पी रहे हैं, ऐसे बिल्कुल एकदम ऐसे एकदम स्वाद लेते हुए कि जैसे ये तो आपका रेगुलर है, आप पीते रहते हो, एकदम स्वाद लेते हुए। Two seconds later. स्टार्ट हो जाएगी दावत। अच्छा अच्छा पेट्रोल, इसमें पेट्रोल लगता है। शूज अच्छे लग रहे हैं। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। भाई हम आ चुके हैं वीवो में। मैम मतलब जो वीवो का स्टैम्प पर लेटेस्ट मोबाइल कौन सा लॉन्च हुआ है? सर लेटेस्ट हमारा फ्लिप वाला अभी लॉन्च हुआ है। अच्छा, वो मतलब क्या अलग बनाता है उसको? सर आप अगर दूसरे फोन से कंपेयर करें जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, यू कैन से सैमसंग एंड और भी अदर्स फ्लिप वाले बहुत सारे फोल्डेबल फोन होंगे, तो इट्स एक्सट्रीमली लाइट वेटेड। लेकिन एक सेकेंड, फिलहाल जहाँ पर हम खड़े हैं ना, हमारे चारों तरफ ड्रोन ही ड्रोन है। और सबसे ज्यादा क्रेजी पता कौन सा ड्रोन है? ये वाला देखो कितना क्रेजी। ये वाला भाई, ये तो इतना बड़ा ड्रोन है, हमारे गांव को सारे एक साथ लेकर भग जाएगा सारे गांव। भाई यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, यही वाली चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। कहां कहां क्या दिखाना चाह रहा, ड्रोन दिखा। लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना भाई, हमारा थोड़ा सा कैमरा है ना बदतमीज है। भाई जस्ट अभी हमें हराम की दो चीजें मिली हैं, एक तो सीरम है और दूसरा क्या, टोनर जो भी होता है, मुझे नहीं पता भाई मैं कभी। भाई अब हमें अब हमारा मोटिव है इधर उधर जाकर सारी चीज, हमारी जो भी काम की चीज है ना सारी चीज इकट्ठी करना, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का हक होता है। भर लेंगे भाई, चलो। इसके बाद फिर हम सीधे दोपहर युग में पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें अर्जुन का गांडीव मिलता है, जिससे हम थोड़ी देर तीरंदाजी भी करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद हमें पूरी लकड़ी से बनी हुई शोले मूवी वाली बुलेट भी देखने को मिलती है, जिसे देखकर काफी ज्यादा अच्छा तो लग रहा था, पर भाई लिटरली उसे देखकर एक चीज भी पता चलती है, जब हमारे देश के युवा की बीटेक करने के बाद जॉब नहीं लगती तो ऐसा भी कुछ कर सकता है। हेड्स ऑफ बीटेक वाले हेयर अंकल जी का खेतीबाड़ी से ध्यान भटकाकर और इंस्टाग्राम पर कैसे रील बनाते उन्हें वो समझाकर और उनका करियर खाकर हम सीधे चले जाते अपने कॉलेज थोड़ी देर पढ़ाई करने के लिए, हमें थोड़ी अपना करियर खराब करना। चलो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।